मंत्रालय रायपुर में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महतारी वंदन योजना सहित कई योजनाओं पर मुहर लगाई गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने बताया कि कैबिनेट में महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र के विवाहित महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसके तहत विधवा महिलाएं भी लाभान्वित होंगी। महतारी वंदन योजना के तहत साल में 12,000 राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी। वहीं तेंदुपत्ता संग्रहकों को 4 से 5 हजार रुपए मानक बोरा दिया जाएगा। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा जी से। मुकेश वर्मा जी, आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ के डीपी सीएम अरुण साव ने मंत्रालय की कैबिनेट की बैठक के बाद जो पत्रकार वार्ता ली, उसमें उन्होंने किन किन बातों को बताया कि मतलब बैठक में किन किन बातों को मंजूरी दी गई है, किन योजनाओं को मंजूरी दी गई है? देखिए, अभी कैबिनेट की जो बैठक लगातार हर हफ्ते हो रही है और सारे मंत्रीगण, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, सभी लोग शामिल हो रहे हैं और जो चुनावी वादे किए गए थे उन सब वादों पे पूरा करने के लिए वो लगातार इस तरह की कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं और क्रमशः जो है जो योजनाएं जो है लागू करने की बात कही गई थी चुनावी के वक्त में, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे एक एक करके योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है और इसका क्रियान्वयन अब ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जी, 21 वर्ष से अधिक की उम्र की जो महिलाएं, विवाहित महिलाएं हैं, उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा और उनके साथ ही इसका लाभ विधवा महिलाओं को भी मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो है 1 जनवरी से मतलब जनवरी तक 21 वर्ष की जो महिलाएं हो चुकी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और जो विवाहित महिलाएं हैं, पहले से उम्रदराज महिलाएं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बसरते बहुत सारी जो डिसीजन है कल कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, जैसे तेंदुपत्ता जो संग्राहक है, जंगल आदिवासी जो गांव के एरिया है, क्षेत्र है, वहां जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पारिश्रमिक जो है उनका बढ़ने वाला है, तो उसमें लगभग 5500 रुपए की इसमें बढ़ाने की बात कही गई है। वही अगर देखा जाए तो पंजीयन के समय जो नीति जो लागू होती थी उसमें भी कुछ बदलाव करके उसको बहुत इजी किया गया है और बीएससी की जो 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होते थे उसमें भी बहुत कंसीडर किया गया ताकि व्यापारियों को और ग्राहकों को उसी तरह लाभ मिल पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर जुड़ेंगे अधिक जानकारी के लिए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।